हेलो। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली 51 पुलअप्स चैलेंज कर रहा हूँ, तो व्हाट डज दैट रियली मीन व्हेन आई से डेली 51 पुलअप्स टिल द डे आई डाई? क्या इसका मतलब है? जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मेरे को डेली 51 पुलअप्स करने हैं, मरते दम तक मेरे को ये लगाने हैं, या फिर इसका कुछ और मतलब भी है? क्या हो सकता है इसका कुछ और मतलब? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ डेली 51 पुलअप्स टिल द डे आई डाई, यहाँ पर आई का मतलब कुछ और है। तो क्या मतलब है आई का, जानते हैं। दोस्तों, बहुत से स्क्रिप्चर्स में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, बेसिकली आई को ईगो से संबोधित किया गया है। यानी आई इज ईगो, ईगो यानी अहंकार। भगवद गीता में भी एक योगी की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि एक योगी के अंदर आई का नहीं अस का भाव होता है। यानी उसके ईगो, उसने अपने योग के, तप के माध्यम से खत्म कर दिए है। ही इज फ्री फ्रॉम ईगो एंड ही इज वन विद ब्रह्म, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। सो दिस इज द गोल दैट एवरी ह्यूमन शुड हैव, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। बुद्धिज्म में भी अगर बात करें तो एनलाइटनमेंट जो है उसको इसी तरीके से परिभाषित किया जाता है। एक एनलाइटन व्यक्ति वो होता है जिसमें ईगो नहीं होती, आई का भाव नहीं होता, द फीलिंग ऑफ आई इज नॉट देयर। ही विद द लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट बर्नड आउट द डार्कनेस ऑफ ईगो इनसाइड हिम। और अगर हम जापान का जो मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है बुद्धिज्म, वहाँ पर उसको, वहाँ पर जेन, ZEN इस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर भी एनलाइटनमेंट है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन से ही एनलाइटनमेंट होगा। बहुत सारी स्टोरीज है उनके धर्म में। वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है कि वहाँ पर बर्तन साफ़ करते करते कुछ प्लेट गिर गई, उसकी आवाज़ सुनकर वो एनलाइटन हो गए, या फिर कोई दौड़ते दौड़ते एनलाइटन हो गया है। पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठे बैठे एनलाइटन हो गए। अब ऐसा नहीं है कि भाई मेडिटेशन से ही हुए हैं वो, क्या पता किसी चीज़ की आवाज़ उन्होंने सुन ली हो, उस चक्कर में वो एनलाइटन हो गए, कहा नहीं जा सकता। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है एनलाइटन होने का, लेकिन अगर हम कॉमन पॉइंट को देखें उन सभी में, एक बात तो सच है कि उनमें आई का भाव नहीं होता, आई मर चुका होता है, ईगो खत्म हो चुकी होती है उनके अंदर। सो जब मैं बोलता हूँ कि डेली 51 पुलअप्स टिल द डे आई डाई, तो यहाँ पर आई जो है ये थोड़ा इसकी स्पिरिचुअल साइड है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं उस स्पिरिचुअल साइड पर जोर डाल सकूं और आप देख सको कि यहाँ मैं जब बोलता हूँ टिल द डे आई डाई, आई जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, आई यानी ईगो, नॉट मी। सो ईगो ख़त्म करना उद्देश्य है, अपने आप को नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं एनलाइटन हो ही जाऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी ईगो ख़त्म कर पाऊँ जीते जी। हो सकता है मैं उससे पहले ही जो बायोलॉजिकल डेथ हो जाए मेरी, पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आई कुड बी सक्सेसफुल। मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को तरीका नहीं पता, किसी को नहीं पता होता तरीका। बट हाँ, लोग एनलाइटन होते हैं, वाई कुड नॉट आई, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते हो। सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट कांट बी अचीव्ड, और इट इज़ नॉट दैट ईजी एज वेल दैट एनीवन कैन अचीव। और पहली बात, ये अचीव नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड, इट हैपन्स। तो ये कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम पालोगे, इट इज़ अ फीलिंग, इट हैपन्स टू पीपल, इट हैपन्ड इन द पास्ट एंड कुड हैपन
टुडे एज वेल. सो इट इज़ द हैपनिंग बेसिकली. एनलाइटनमेंट इज हैपनिंग, इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड. इट हैपन्स फ्रॉम विदिन. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट.